आज एक आप लोगों को अपने जीवन का अनुभव कहूँ या जीवन की सच्चाई कहूँ, एक छोटा सा सेशन हमारा होगा जीवन का सच। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों पे बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं, इजी ट्रस्ट का मतलब समझते हैं। जैसे ही आपके जीवन में कोई प्रवेश किया, प्रवेश करते ही आप उससे तुरंत क्या हो गए, इम्प्रेस हो गए और तुरंत विश्वास कर लिए। विश्वास के रिश्ते में बंधने की बहुत कम टाइम लगता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं सकी टाइप के लोग, वो तुरंत नहीं करते विश्वास, इतना अविश्वासी होते हैं कि फिर वो मतलब बहुत टाइम लग जाता है सब पे, वो अपने बच्चे तक पे अविश्वास करते हैं। इतिहास में बहुत शासक हुए हैं और कुछ शासक ऐसे हुए हैं कि तुरंत ट्रस्ट, जैसे हुमायूं की बात करें, हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों पे तुरंत विश्वास किया। वो चलो घर की बात थी, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आमतौर पे लोगों के साथ होता है। अभी आपका कोई मित्र बना, मित्र बनते ही तुरंत इम्प्रेस हो गए, उसकी दो चार बातों को सुनकर आपने तुरंत इम्प्रेस होते ही क्या कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, विश्वास कर लिया। एक बड़ा मुद्दा है ये, हुआ है बहुत लोगों के साथ होता है, इजी ट्रस्ट हो जाता है कि मेरा शायद शुभ चिंतक होगा, है ना, शायद ये मेरे लाइफ का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है मेरे लाइफ से जुड़ रहा है। इजी ट्रस्ट बहुत आसान चीज़ है, इजी ट्रस्ट। अब देखो पर्सन के ऊपर है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो इजी ट्रस्ट करते हैं, बहुत कम लोग। जैसे आपके घर वाले, आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो आपके ऊपर ट्रस्ट किया गया, विश्वास किया गया है, तब आप लोग यहाँ पे बैठे हो, तो एक विश्वास के कारण से यहाँ पे बैठाया गया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, यदि जिसके ऊपर विश्वास किया गया उसको एक बहुत बड़ा मौका होता है अपने आप को साबित करने का, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके ऊपर विश्वास भी नहीं कर रहे होंगे, दोनों तरह कैटेगरी के लोग आपके जीवन में होंगे। तो हमें इजी ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है, इजी ट्रस्ट आपका सही सफल सिद्ध हो जाता है, आपने उस पर विश्वास किया और वो भरोसा आपका सही निकल जाता है, और कभी कभी होता है कि वही भरोसा आपका टूट जाता है। सेकंड लगते हैं भरोसा तोड़ने में, पीछे पूरी कहानी चलती रहती है बैकग्राउंड में, और अचानक से तस्वीर क्लियर हो जाती है कि मेरे साथ एक षड्यंत्र रचा गया, होता है आमतौर पर। बिल्कुल मैं सच्चाई बता रहा हूँ जीवन की। गर्मी तो नहीं लग रही, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, आज भर के लिए कॉपरेट करो, ठीक है। चलो बस अब ये मुद्दे पे चर्चा नहीं थी, चर्चा थी विश्वास की। तो जीवन में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके ऊपर तुरंत भरोसा करेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि यदि ऐसे लोग मिलते हैं तो उनको कभी छोड़िएगा मत, और बहुत जल्दी जो है उनको विश्वास जीतने का कोशिश भी करिएगा, क्योंकि यदि एक व्यक्ति का विश्वास कभी तोड़ते हो आप, तो वो फिर जीवन के लिए सतर्क होना चालू हो जाता है, और आपके एक अविश्वास के कारण आने वाले समय में वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। यदि कोई मिलता है इजी ट्रस्ट, जैसे आपकी फैमिली ने आप पे ट्रस्ट करके भेजा है आपको, तो आपको अब साबित करने का समय है, अब उनका विश्वास तोड़िएगा मत। तोड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप उनके पैसे का सदुपयोग कीजिएगा, आप उनके पैसों का दुरुपयोग मत कीजिएगा, आप अपने समय का सदुपयोग कीजिएगा, ठीक है। अपना समय आप व्यर्थ में मत गवाइएगा, यही है, ये भरोसा है जिसको आप जीत सकते हो। आपके गार्जियन में से कुछ लोगों के गार्जियन ऐसे होंगे जो आप पे भरोसा नहीं करते होंगे, कुछ के आप घर पे तीन भाई हैं, तीन भाई में एक भाई में इजी ट्रस्ट होता है, दो पे नहीं होता, उनको रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आपने विश्वास को जीत नहीं पाए। तो यदि कभी कोई आप पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो उसका विश्वास जीतना है आपको, पहला चीज़ तो ये, क्योंकि वो आप एग्जाम्पल सेट कर दोगे किसी और के लिए यदि आपने विश्वास तोड़ा तो। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, आप लोगों के साथ घटनाएँ घटी होंगी, आप अपनी घटनाओं को अब कंपेयर कर सकते हो कि कितने लोगों पे आपने विश्वास किया था और कैसे आपको विश्वास को उसने तोड़ दिया। या फिर जीवन में एक काम करना चाहिए, मैं भी जैसे कि मेरा, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो ईडी ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर, बहुत जल्दी भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ मैं, और मेरे साथ ये है कि मैं मतलब कई बार धोखा खा चुका, कई बार क्या 50 बार धोखा, और धोखा खाने के बाद अपनों ने मतलब, है ना, गैरों में कहाँ दमता हो, है ना, तो अपने आकर के आपको थोड़ा सा कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं भरोसा जब भी कभी किसी के ऊपर करता हूँ, मैं अपना बताता हूँ, तो मैं पहले, जैसे आपको मैंने कोई काम सौंपा तो वो स्किल मेरे अंदर यदि होगा तभी सौंपूंगा। मैं कभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता कि कल के दिन तो भरोसा तोड़ दिया तो उस काम को मैं अपने अंदर एबिलिटी रखता हूँ, अपने अंदर क्षमताएं रखता हूँ, अपने अंदर सारी चीज़ें रखता हूँ तो कर लूँगा। मेरे हिसाब से बहुत जल्द किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, समय लेना चाहिए, थोड़ा सा आदमी को परखना चाहिए,
एक महीने, दो महीने, डेढ़ महीने बाद आदमी का असली चेहरा खुलना चालू हो जाता है। कब बहुत लोग आपको मिलेंगे, मिलते ही बड़े सभ्य लगेंगे, कुछ दिन बाद उनके जब मुंह खुलने चालू होते हैं तो उनकी सभ्यता निकल के आ जाती है पूरी। अरे ये तो बड़ा सभ्य व्यक्ति मिल गया मुझे। तो वही सारी चीज़ें, बहुत जल्द विश्वास कर लेना एक ये कमजोरी की निशानी भी हो सकती है, या आपका एक पावर भी हो सकता है। जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि इजी ट्रस्ट करना पावर है, कभी कभी लगता है यार ये कमजोरी है क्या मेरी। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग आएंगे समझाएंगे तुम जल्दी भरोसा करते हो, कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है, कोई भी आपको जाकर ठग सकता है। देखो कितनी बार ठगे जा चुके हो फिर भी नहीं मान रहे हो, आप बेवकूफ़ हो। बहुत लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं, बहुत बार मुझे लगता है कि नहीं यार मैं इसके पे, बहुत लोगों पे मैंने भरोसा किया और बहुत लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, फैमिली पे भरोसा किया, बहुत बच्चों पे, लोगों पे, हर तरीके का भरोसा कि नहीं ये करेगा, ये कुछ करेगा, इसको मौका देना चाहिए। मौका दिया, उसने जीता, बहुतों ने तोड़ दिया, उस मौके का विनाश कर दिया। तो हर तरीके के लोग मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू जो अनुभव अभी तक मैंने सीखा 26 साल की उम्र में, 30 जून को 26 साल का होने वाला हूँ, तो 26 साल की उम्र में मैंने ये सीखा कि इजी टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो दर्द बहुत होता है। यदि किसी पे आपने भरोसा किया और भरोसा उसने तोड़ दिया तो वो जो ब्रेन का थोड़े टाइम तक प्रोसेसिंग होता है ना, मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत सारे यार मित्र अपने देखे हैं जिनका भरोसा किसी और से टूटा था, तो उन लोगों की तो बहुत बुरी हालत, वो महीनों महीनों रोते हुए देखे गए। तो भरोसा जल्दी करो मत किसी के ऊपर। किसी को भरोसा करोगे, आप अपने भाई के ऊपर भरोसा करोगे तोड़ देगा, आप परेशान हो जाओगे, मेंटली परेशान हो जाओगे, फिर आपको कोई समझा नहीं पाएगा। आप अपने मित्र के ऊपर भरोसा करोगे तोड़ेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो इजी ट्रस्ट नहीं करना है, पहले परखो व्यक्ति को, बिना परखे नहीं, दो चार बार उसकी, तीन चार चीज़ों से आदमी परखा जाता है। परखने के मेरे तीन चार तरीके हैं। पहला है पैसे का लेन देन, किसी से भी कर लीजिए, या फिर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता हो। देखो आज आप लोगों को कुछ गुर देता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, दिन में चार फोन करता है, उसे पैसा मांगना शुरू कर दो। दो बार फोन करे यार कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसे मांगो, आठ बार पैसे मांगो फोन ही बंद, फोन उठाएगा नहीं आपका, उठा ले तो बता देना मेरा नाम, वो परेशान। तो किसी से पीछा छुड़ाना हो तो एक तरीका मुझे बड़ा बेस्ट लगता है कि उससे पैसा मांगने का काम आप कर सकते हो। दूसरा, आपको लगे कि आदमी भरोसे लायक है कि नहीं है, मनी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आदमी 1000 रुपए में भी फिसल सकता है, 1 रुपए में भी फिसल सकता है, 100 के नोट में फिसल सकता है, लाखों में भी फिसल सकता है। कुछ लोग होते हैं कि 1, 2, 100, 10, 10, 20, 20 हज़ार तक नहीं फिसलेंगे, थोड़ा बड़ी रकमों में फिसलते हैं। वो कहते हैं करना है तो कायदे से करो, नहीं तो ईमानदारी ठीक है। तो हर तरीके का व्यक्ति होता है, तो आप लेन देन के माध्यम से भी सीख सकते हो। आप कुछ मत करो, अपने दोस्त के रूम पे पर्स छोड़ के चले आओ, रखो उसमें 100 ही की नोट, 4 रख दो, 4 में 3 बच सकती हैं या कुछ हो सकती हैं, पैसे छोड़ दो। बहुत सारी चीज़ें हैं, 50 चीज़ों से आप उसको जांच सकते हो। कभी एक दो बार पैसे दे दो, आपको पता चल जाएगा ये आदमी कैसा है। लेन देन में उसका टाइम कमिटमेंट पता चल जाएगा, चीज़ें पता चल जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम को समझता है कि नहीं समझ पता चल जाएगा, सब खुल के आ जाएगा आपका सामने। आप लोगों को अनुभव होगा बहुत अच्छा इसका, बहुत तो फ़ोन नहीं उठाते फिर उसके बाद, 100 की नोट के लिए फ़ोन नहीं उठाते, बड़ी रकम तो छोड़िए, ठीक है। परिस्थितियाँ फ़ोन नहीं उठाने देती, ये भी हो सकता है, आप उसकी परिस्थितियाँ भी समझ सकते हो, मदद भी कर सकते हो, अलग चीज़ है। लेकिन कहने की बात है, रिलेशन, मान लो मेरे पास पैसे नहीं, आपने मुझे पैसे दिए 500 रुपये, मैं लौटाने की क्षमता में नहीं हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया, मैं आपको बता सकता हूँ कि यार मैं अभी लौटाने की क्षमता में नहीं हूँ, तो ये हो गई सच्चाई मेरी, मेरी ये कंडीशन चल रही है। आपने कहा नहीं यार लौटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मैंने कहा यार नहीं दे पाऊँगा, यार नहीं है मेरे पास तो कहाँ से दे दूँ बता, चोरी करूँ। वो बोले मुझे मतलब नहीं है, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, असभ्य हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि नहीं दे पाएगा तो नहीं दे पाएगा, कुछ होते हैं फोन ही मैं आपको उठाना बंद कर दूं, ब्लॉक कर दूं आपको वहां से, समझ जाओगे। 4-6 फोन नहीं उठाए, समझ जाओगे मनसा क्या इसकी। तो बहुत तरीके हैं फंडामेंटल, तो इजी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आसानी से किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, भरोसा टूट सकता है। भरोसा एक पतली सी धागा होती है, जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है, घात एक ही शब्द तो है। यदि मैंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, जैसे मैं आप लोगों के ऊपर भरोसा कर लूँ, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा कर लूँ, लेकिन क्या है कि उस भरोसे को तोड़ने वाले बहुत आसानी से, बहुत लोग मिलेंगे आपको, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। जब आपका विवाह हो जाएगा, विवाह के बाद जब चालू होता है ना वो वाला घर की जो लाइफ का बंटवारा चालू होता है, ये सब चीज़ें चालू होती है, उसमें बड़ा ट्रस्ट टूटता है। क्या समझा था, क्या निकल गया, ये इसकी पढ़ाई में इतना खर्चा किया था। जैसे हो सकता है आपके गार्जियन, आपके भाई आप लोगों को पढ़ा रहे हो,
अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे भाई मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कल के दिन उनकी बहुत मदद करूंगा, कल के दिन ईश्वर की कृपा से आप कुछ बड़े बनते हो, फिर आप भूल जाते हो। अरे वो टाइम था, वो जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी मान लेते हो, अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनको वो करें। तो आप कभी भी किसी के ऊपर इजी ट्रस्ट ना करें, नहीं तो जब ट्रस्ट टूटता है तब दर्द होता है। वो दर्द सह पाते हैं कुछ लोग नहीं भी सह पाते, सदमे में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो विश्वास जीतना और विश्वास करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ ही दोस्त होते हैं जो जीवन में विश्वास योग्य होते हैं, कुछ ही होते हैं जो नहीं होते हैं। परखिए पहले लोगों को, फिर काम करिए, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक इतिहास का छात्र हूँ, मैंने इतिहास में बहुत पढ़ा है। कभी हैदर अली की, आज हैदर अली की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको इतिहास में पढ़ोगे तो यही हुआ है, पहले उससे संधि थी, फिर उसने उससे संधि कर ली, फिर उसने इससे संधि कर ली, फिर उसने उससे संधि कर ली, उसके भरोसे बैठा था कि आएगा मेरी युद्ध में मदद करने आएगा, नहीं आया वो। तो सच्चा मित्र इतिहास में बहुत कम मिलेगा आपको, यहाँ तक कि जयचंद जैसे लोग, अंबी जैसे लोग, गद्दार भी आपको मिलेंगे, जो आपके साथ मित्र तो दिखाते रहेंगे कि मैं मित्र हूँ, लेकिन वो गद्दारी भी कर सकते हैं कभी भी। तो कभी भी किसी का आसानी से भरोसा मत करो, यदि जीवन में आपको सफल होना है तो, कोई भी हो, एनी पर्सन, ठीक है ना। नहीं, जब आप सबसे बड़ी सक्सेस पा रहे होगे उसी समय आपकी वो, यदि आपने उसको परखा नहीं है, खींच लेगा पैर। बहुत बार क्या होता है, जो बड़े बड़े ये होते हैं ना स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह, इनकी लाइफ को आप झांक के देखिए तो जो ये ड्रिंक लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, ये ड्रिंक ऐसे नहीं लेते नॉर्मल कि लिया पी लिया, नहीं ऐसे नहीं लेते हैं प्रॉपर, ये अपने विश्वसनीय लोग रखते हैं। नहीं कोई कुछ डोपिंग करके दे दे, कोई नशा दे दे, दो मिनट में पकड़ जाएंगे, जिंदगी करियर खराब, जिंदगी भर के लिए बैन, समझ रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ में एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर ऐसा विश्वास हो, ऐसा विश्वास हो कि जो आपके विश्वास को नहीं तोड़ सकते, नहीं तो व्यक्ति के दिमाग में क्या खुराफात चल रही हो आपको नहीं पता, वो आपको सामने दोस्त है। इसीलिए इजी ट्रस्ट मत कीजिए, सामने आपको, सामने वाला आपका यूज करके निकल जाएगा आसानी से भरोसा करने के चक्कर में। जल्दी किसी से इम्प्रेस मत होइए, दूसरी सीख, हम बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, अरे ये हैं, अरे वो हैं, कोई कुछ नहीं है, सब दिखावा है, सब भ्रम है, सब महज वो है, चार दिन रहोगे उसके साथ लगने लग जाएगा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत जल्द इम्प्रेस होने वाली, ये कमजोरी है, इम्प्रेस होना कमजोरी है, इजी ट्रस्ट होना कमजोरी भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, दोनों चीज़ें, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को एक सीख देता हूँ कि जल्दी भरोसा मत करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत शक वाले पर्सन हो, मैं आपको पानी पीने को दूँ, नहीं पहले आप पियो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना शक भी करें, इतना शकी व्यक्ति जिंदगी जी नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन एक भरोसे वाली बात वो होती है जिसमें आप अपनी पूरी की पूरी जितनी चीज़ें हैं सब सौंप देते हो एक मिनट में, अपने लाइफ का मालिक बना के बैठा देते हो किसी को, वो वाली बात की बात कर रहा हूँ। वो मत कर देना कभी किसी के साथ, नहीं लोग आपकी लाइफ का मालिक बन के आपकी लाइफ को तोड़ के खराब करके चले जाएंगे, ठीक है ना। मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं और बहुत धोखे खाए हैं, बहुत धोखे, मतलब मैं लाइन से गिनने लगे हूँ, एक लिस्ट है पूरी कितने लोगों ने धोखा दिया, कभी हर तरफ से धोखे। लेकिन जीवन में क्या होता है कि चीज़ें सीखनी होती हैं, और मैं हमेशा सीखता हूँ, फिर मुझे कोई ज़िंदगी में आता फिर इजी ट्रस्ट तुरंत दो मिनट में, फिर लोग रोकते नहीं 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 रुक के आराम से आराम से आराम से, फिर मैं रुकता हूँ कि हाँ 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 जल्दी हो रहा था थोड़ा, तब भी फिर उतना जल्दी निकल जा चुकी होती है गाड़ी कि फिर रुकने रुकते पता चलता फिर धोखा मिल गया। ऐसी कंडीशंस होती हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाते उन कंडीशंस में आपके यहाँ से। इसलिए जल्दी भरोसा दिमाग में बैठा लो इस बात को, ठीक, पहले आदमी को परखो, बहुत नॉर्मल रहो, ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे वो करना है, नॉर्मल रहो और उससे वो करो। कल के दिन जब आपको सक्सेस मिलेगी तब इस चीज़ की अहमियत पता चलेगी जो आज मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत अहमियत मिलेगी इस चीज़ की, क्योंकि कल के दिन लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, आपके पीछे पड़ना चाहेंगे, वहीं पे होता है कि फिर आप कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को। अभी आपको लग रहा होगा कि बड़ी बेसिक बात है, आगे पता चलेगा, जब चार पैसे आपके जेब में आने शुरू होंगे तो लोग जब आपके पीछे भागेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल कौन है, लोकल कौन है, ठीक है। विपत्ति में किसने साथ दिया और किसकी विपत्ति में आप खड़े हो, आप मत किसी के साथ करना, किसी का ट्रस्ट मत टूटने देना, ये भी ध्यान रखना। हम ढूंढ रहे हैं ना कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, अच्छा व्यक्ति मिल जाए, हम ही अच्छे बन जाते हैं ताकि किसी दूसरे की तलाश पूरी हो जाए, ठीक है। लेकिन दूसरे से सतर्क भी रहना है, ऐसा नहीं रहना कि कोई भी आपका यूज करे और छोड़ के चला जाए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ में सीखो और इसको इम्प्लीमेंट करो।
बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। वो अब गरम फेंकने लगा है, परेशान मत हो, आज शाम को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस आज मेरे साथ पढ़ो। वैसे ठंडी लग रही होगी अब तो धीरे धीरे। अरे सेशन देखो, ये सब भूल जाना है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। चलिए सेशन चालू करते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं।